वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में एक नई भर्ती के साथ। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज जिस भर्ती के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो भारतीय खाद्य सुरक्षा विभाग में आई हुई है, जिसमें टोटल पोस्ट आपको जो है 275 मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूँगा। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें पोस्ट जो है 5-7 तरह की दी गई है। एक एक करके मैं आपको नहीं बता सकता। नोटिफिकेशन का जो लिंक होगा आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में आपको बता दूँ। तो 275 पोस्ट आपको इस वैकेंसी में मिलने वाली है, जिसकी आप 15 मार्च से आवेदन शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन फॉर्म को आप किस तरह से भरेंगे उसका वीडियो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। तो नीचे चलते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, 12वीं क्लास अपने पदों के हिसाब से आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपकी एज लिमिट जो केवल और केवल एज लिमिट होगी आपकी मिनिमम 18 होगी और मैक्सिमम आपकी डेट पोस्ट के हिसाब से रखी जाएगी। SC ST PWD और PH के लिए जो कैंडिडेट की आपकी एज में छूट होगी वो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 275 पोस्ट के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग 15 मार्च से होगा और लास्ट डेट जो होगी आपकी 14 अप्रैल होगी, जिसमें पे स्केल जो होगा आपका 4 लेवल से लेकर 10 लेवल तक होगा, जिसमें आपको कम से कम 30,000 से आपकी सैलरी जो होगी स्टार्टिंग होगी। फीस डिटेल्स की बात करते हैं तो OBC कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये फीस होगी और 250 रुपये आपकी SC ST वुमेन कैंडिडेट के लिए रखी गई है। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन तरीके से आपको उसे फिलअप करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, केवल रिटन बेस एग्जाम पर आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।